अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने ले जा रही हूँ मोती पुलाव की रेसिपी। मोती पुलाव के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन 1 kg, प्याज 2, ये मोती बनाने के लिए अदरक 1 टुकड़ा, हरी मिर्च 6 अदद, नींबू का रस 2 अदद, बेसन 2 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, क्रश चिली या दादर मिर्च है 1/2 टेबल स्पून। हमने प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लेना है और इसको चिकन में ऐड कर देना है, चिकन के कीमे में, और सारे मसाले डाल देने हैं, जितने भी सारे मसाले लिखे हैं सारे मसाले डाल देने हैं और मिक्स करके हमने बॉल्स बना लेनी है। ये हो गया मोती का। अब हम चावलों के लिए पढ़ते हैं क्या रेसिपी है। चावल हमें चाहिए 1 kg, लहसुन 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ टमाटर 4 अदद, हरी मिर्च 5 से 6, ऑयल 1/4 कप, क्रश चिली 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, साबुत सब्ज़ इलायची 4 से 5, इमली 1/4 कप, प्याज 2 अदद, अदरक 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ दही 1/2 कप, लीमू स्लाइस 2 अदद, नमक हैज़ रिक्वायर्ड, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून, साबुत लाल मिर्च 4 से 5, और ज़रदा रंग थोड़ा सा। हमने क्या करना है, पहले प्याज को लाल कर लेना है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, टमाटर दही सारे मसाले डालने हैं और मोती डालकर चावल के हिसाब से पानी डालना है, और एक बॉईल आने पर इमली डाल देनी है, चावल डाल देने हैं। चावल का पानी खुश्क होने लगे तो 15 मिनट दम पे रख देना है। तो जी हमारा ये मोती पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा।